एक मित्र ने पूछा है, मैं ध्यान समाधि के बाद 40 दिन नाद श्रवण कर नाद साधना कर रही हूँ, परंतु रात्रि में सोते हुए नाद में डुबकी लगाकर सो तो लिया जा रहा है, पर जब सुबह उठो तो पहला विचार नाद का नहीं होता। कभी टाइम देखने के लिए तो कभी अलार्म बंद करने की तरफ ज़्यादा होश रहता है। कृपा कर दिशा दिखाएं जिससे मैं ये सरलता से कर सकूँ। नाद सिद्धि बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। ध्यान समाधि के मित्रों को मैं कहता हूँ कि नाद सिद्धि कर लो। नाद सिद्धि क्या है? 40 दिन की साधना है। सूफीज में इसको चालिया कहते हैं, संत मत में भी इसको 40 दिन की नाद सिद्धि कहते हैं। क्या है नाद सिद्धि, क्या है नाद चालिया? कि प्रतिदिन सवेरे उठ करके नाद का ख्याल आए, और ऐसा लगातार 40 दिन तक अगर ख्याल आए तो नाद सिद्ध हो जाता है। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? रात में सोते समय नाद श्रवण करते हुए नींद में प्रवेश करो। तो एक नियम है कि सोते समय जो अंतिम ख्याल होता है वही उठने पर प्रथम ख्याल होता है। जैसे रात में नींद टूटी, अगर नाद सुनते हुए तुम सोए हो तो जब उठे हो तो फिर नाद का ही ख्याल आएगा। लेकिन अब नींद तो टूट गई है, चाहे बाथरूम जाना है किसी कार्य से, तो फिर दोबारा सो तो फिर नाद सुनते हुए सो। तुम क्या करते हो कि बीच में नींद टूट गई, उस समय तुमने फिर नाद का ख्याल नहीं किया, और फिर दोबारा सो रहे हो तब नाद का ख्याल नहीं कर रहे हो। अगर बीच में मान लो 2-3 रोज तक तुमने सुबह नाद सुना नींद टूटने पर, फिर चौथे दिन नाद नहीं सुना या नाद का ख्याल नहीं आया, तब डे 1 से शुरू करना होगा। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ छोड़ करके किसी तरह 40 दिन पूरा किया। लगातार डे 1 से डे 40 तक लगातार अगर तुमने ये प्रयोग किया और इसमें तुम सफल हो गए तो ये नाद सिद्धि घटित हो जाती है। नाद सिद्धि घटित होने से क्या होगा? अब नाद श्रवण करने के लिए या नाद पर ध्यान देने के लिए तुमको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे संगीतकार गाता है तो तंबूरा बजता रहता है, इसी तरह जगत में जो भी काम तुम करते हो, कोई भी काम करते हो, तुम गीत भी गाओ तभी वो तंबूरे की तरह उस पर ध्यान तुम्हारा रहेगा। और इस तरह से तुम्हारी जो जीवन की क्वालिटी है वो बदल जाती है। तुम दोस्तों से बात भी कर रहे हो, नाद चल रहा है। तुम गीत गा रहे हो, नाद चल रहा है। तुम बागवानी कर रहे हो, नाद चल रहा है। और फिर क्या होता है, उससे तनाव नहीं होता, अशांति नहीं होती, एक जोड़ बना रहता है। आज ही मैं ओशो का किसी ने ट्वीट किया था, आज मैं पढ़ रहा, मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उसको दोबारा ट्वीट किया कि जब मन है तो ध्यान नहीं है, जब ध्यान है तो मन नहीं है। ध्यान और मन साथ साथ नहीं हो सकते। ठीक इसी तरह जब तुम नाद का श्रवण करते रहते हो तो अवांछनीय विचार नहीं चलता। तुम जिस पर विचार करना चाहते हो वो विचार कर सकते हो, लेकिन अभी क्या है कि अवांछनीय कुछ से कुछ, इसको चित्त कहते हैं, चंचल चित्त, कुछ से कुछ विचार चल रहा है। लेकिन अगर नाद श्रवण को तुम पृष्ठभूमि बना लो तो अवांछित विचार बिल्कुल नहीं चलते, चित्त नहीं होता वहां पर। हाँ, बुद्धि होती है, चेतना जहाँ तुम लगाना चाहते हो लगा सकते हो, लेकिन कोई तनाव नहीं होता, कोई उत्तेजना नहीं होती, कोई अशांति नहीं होती, कोई क्रोध नहीं होता, कोई वासना नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ कि ओशो धारा में सभी साधक नाद सिद्धि कर लें। इसके लिए अलग से एक प्रयोग कराया है, एक कार्यक्रम बनाया है जिसका नाम अजपा शिविर है। अजपा शिविर नाद सिद्धि की ही साधना है। तुम यहाँ एक गाइडेड प्रयोग कर रहे होते हो नाद सिद्धि का कम से कम 6 दिन, फिर घर जाकर के उसको जारी रखो, तब आसान होगा। तुम कह रहे हो कि अपने से तुम प्रयोग कर रहे हो और अपने से प्रयोग में वो सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि उसको अभी पूरी तरह जो खेल खेलना चाहते हो, जैसे फुटबॉल खेलना चाहते हो, तो उसके सारे नियम ठीक से समझो, नहीं तो फाउल हो जाएगा। कभी यहाँ रहोगे, कभी कुछ फाउल करोगे, कभी कुछ फाउल करोगे,
तो इस खेल के नियम को पूरी तरह जानो कि नाद सिद्धि के खेल का नियम क्या है। ये जब अजपा शिविर में आते हो तो उस नियम को पूरी तरह तुम्हें बताया जाता है, उस टेक्निक को पूरी तरह बताया जाता है। उसको जान करके जब आप करोगे तब सफलता सुनिश्चित है। लेट्स एक्नॉलेज।